गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे क्रिया और काल, वर्ब एंड टेंस। इसमें क्रिया आपको क्लियर हो चुका है, एक ही सेम चैप्टर है। अब हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर का काल। काल यानी टेंस, और काल का अर्थ होता है समय, टेंस। क्या टाइम पता चलता है? काल यानी टेंस से हमें क्या पता चलता है? टाइम का पता चलता है। जैसे कल मैंने एक कहानी पढ़ी, ओके, कल मैंने एक कहानी पढ़ी, आज मैं दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ। देखो इसमें अंतर आ रहा है, कल एक नई कहानी पढ़ूंगा। पहले सेंटेंस में है कल मैंने एक कहानी पढ़ी, दूसरे सेंटेंस में आज मैं दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ी और पढ़ रहा हूँ। फिर है कल एक नई कहानी पढ़ूंगा, तो इन तीनों सेंटेंस में अंतर है। ऐसा लग रहा है कल मैंने एक कहानी पढ़ी, यानी कल वो कहानी पढ़ चुका है, पास्ट हो चुका उसका। आज मैं दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ, यानी वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। कल एक नई कहानी पढ़ूंगा, यानी जो टाइम आएगा उसमें वो एक नई कहानी पढ़ेगा, कल या परसों जब भी वो पढ़ेगा तो एक नई कहानी पढ़ेगा। तो इनसे हमें पता चल रहा है क्या? टाइम का, ठीक है। इसमें क्या है? पढ़ चुका है, इसमें कंटिन्यू है यानी पढ़ रहा है, और इसमें पढ़ेगा। तो बच्चों जहां ऐसे वर्ब होते हैं इनको क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे, यानी काल। तो बच्चों पहले वाक्य में पढ़ी, ठीक है, मैंने ये कहानी पढ़ी है, दूसरे वाक्य में क्या है? पढ़ रहा हूं, और तीसरे में पढ़ूंगा। इससे क्रिया से ये सब क्रियाएं हैं, पढ़ी, पढ़ रहा, पढ़ूंगा। इन क्रियाओं से क्या पता चल रहा है? इन क्रियाओं से हमें समय का पता चल रहा है। पढ़ने का कार्य आने वाले समय में होगा या अभी हो रहा, कब होगा? तो तीनों क्रियाएं अलग अलग समय को दर्शा रही हैं। पहली क्रिया, दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया जो है वो अलग अलग टाइम को बता रही है। तो काल की परिभाषा क्या होगी बच्चों? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी जो क्रिया किस समय में हो रही है, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का, क्रिया किस समय में हुई है, ठीक है, समय का बोध हो यानी पता हमें चले तो उसे काल कहते हैं। यानी इसमें क्रिया कब हो रही है? बीते हुए समय में, यानी पास्ट में हो चुकी है क्रिया। क्रिया कौन सी? पढ़ने की क्रिया हो चुकी है। इसमें क्या है? क्रिया हो रही है और इसमें क्रिया होगी, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? काल के तीन भेद होते हैं। काल को कितने भेदों में विभाजित किया गया है? तीन भेदों में। वो कौन कौन से हैं? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्य काल। जैसा कि सेंटेंस में ही पता चल रहा है, काम हो चुका है भूतकाल में, काम शुरू है वर्तमान काल में, काम होगा इन फ्यूचर में तो भविष्य काल, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब इसके बाद बच्चों ये जो तीन हमारे काल हैं जिससे क्रिया के होने का पता चलता है, क्रिया कौन से समय में हो रही है, इनको भी, ये जो हमारे तीन काल हैं, इन कालों को भी अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से बांटा गया है। भूतकाल को 6 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के भेद हैं, भविष्य काल के भेद हैं। तो भूतकाल के भी 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो बच्चों पहले हमें पता करना है कि काल की परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का, कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल को तीन भागों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर भूतकाल के भी 6 भेद हैं, कौन कौन से वो मैंने अभी आपको बताए, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भूतकाल के जो 6 भेद हैं उसका पहला है सामान्य भूतकाल, यानी कि सिंपल भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतया बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाए, किंतु क्रिया को समाप्त हुए थोड़ी देर हुई या अधिक, यानी क्रिया अभी खत्म हुई है, जो क्रिया हुई है वो अधिक समाप्त हुई है कि थोड़ा पहले समाप्त हो गई, इसका ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे पिक्चर समाप्त हो गई, ठीक है, इसका क्या होगा? पिक्चर समाप्त हो गई, एग्जाम्पल। अब कब समाप्त हुई?
अभी 10 मिनट पहले समाप्त हुई कि 1 घंटा पहले समाप्त हुई, नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है बच्चों, उसी तरह सेकंड है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की परिभाषा क्या है बच्चों? आसन्न का अर्थ होता है समीप या निकट, आसन यानी पास में, समीप का अर्थ है पास में, निकट में। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम निकट भूत में अर्थात अभी अभी पूरा हुआ, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, पास में ही जल्दी में ही कंप्लीट हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, मैंने पाठ याद कर लिया है। अब उसने पाठ याद कर लिया है, अभी अभी वो बोल रहा है कि मैंने पाठ याद कर लिया, यानी उसको लर्न हो गया अपना चैप्टर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि उसे समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, पूर्ण भूतकाल का में क्या होगा? भूतकाल में जो काम हुआ है वो काफी पहले ही समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। एग्जाम्पल है, नाटक प्रारंभ होने से पहले मैं हॉल में पहुंच गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, फोर्थ नंबर है अपूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा बच्चों क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, पास्ट टाइम में क्रिया स्टार्ट हुई थी, हो रही थी, किंतु तो उसकी समाप्ति का पता ना चल पाए कि वो फिनिश कब हुई, वो कंप्लीट कब हुई, वो समाप्त कब हुई है, तो उसे अपूर्ण कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। यानी पता ही नहीं, पूरी जानकारी नहीं उस क्रिया के बारे में, अपूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी लेकिन वर्षा बंद हो चुकी है कि कंटिन्यू हो रही है, यह नहीं मालूम है, उसको कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है संदिग्ध। संदिग्ध जैसा बोलने से ही लग रहा है, संदिग्ध भूतकाल। इसकी परिभाषा क्या? भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह हो, यानी पास्ट टाइम में वो क्रिया हुई कि नहीं हुई हम कन्फर्म नहीं, संदिग्ध है मतलब श्योर नहीं है उस चीज को लेकर, वो क्या हो जाएगी? संदिग्ध भूतकाल। जैसा नाम से ही लगा कुछ संदिग्ध है, हम श्योर नहीं है कि भूतकाल वाली क्रिया समाप्त हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, तो उसको कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। एग्जाम्पल है, गाड़ी छूट गई होगी, हम अनुमान लगाते हैं, हमारे घर से कोई जा रहा होता है, उसका टाइमिंग है 4:30, वो घर से निकला 4:00, तो हम अनुमान लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं, अटकलें लगाते हैं कि 4:30 बज गया तो ट्रेन स्टेशन से निकल गई होगी। ऐसे पास्ट वर्क को क्या कहेंगे? बीते हुए काम को क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हेतु हेतु मत भूतकाल। सिक्स नंबर हमारा है हेतु हेतु मत। क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित हो। हेतु हेतु का अर्थ होगा एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है, उसके सहारे है। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित हो। भूतकाल में जो क्रिया हुई है वो किसी दूसरे पर आश्रित हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या करने की शर्त पाई जाए उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यह क्रिया मिश्रित वाक्यों में ही पाई जाती है, मिक्स वाक्य में। ठीक है, अर्थात एक या दो वाक्य का होना आवश्यक होता है, कंपाउंड सेंटेंस जो मिक्स रहते हैं सेंटेंस उनमें पाई जाती है हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे पुलिस समय से आ जाती तो चोर पकड़ा जाता, पुलिस समय से आई नहीं चोर भाग गया, पुलिस समय से आ जाती तो चोर पकड़ा जाता, यानी भूतकाल में जो क्रिया हो गई जब चोर आया तो चोरी हुई थी। ठीक है, उस समय क्या हुआ, वो क्रिया किस पर आधारित थी? पुलिस के आने पर। अगर पुलिस आती तो चोर पकड़ा जाता, वो काम चोरी का जो काम हो रहा था वो अधूरा रह गया, क्यों? क्योंकि पुलिस नहीं आई तो वो पकड़ा नहीं गया। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया यानी पास्ट में वो बीत चुकी, हम लोग बातें कर रहे हैं तभी की, कि अगर उस समय पुलिस आई होती तो वो चोर पकड़ जाता, तो किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, यानी पुलिस के आने पर आश्रित था। तो अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या करने की शर्त पाई जाए उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यह क्रिया मिश्रित वाक्यों में ही पाई जाती है, अर्थात एक या दो वाक्य का होना आवश्यक है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, पास्ट की बात कर रहे हैं कि वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल, यानी फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड करता था? वर्षा होने पर। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गया हमारा पास्ट का यानी भूतकाल टेंस। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। बच्चों अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल की तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल की परिभाषा क्या है बच्चों? वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो, क्रिया यानी जो क्रिया हम करेंगे, जो कार्य हम करेंगे, कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान प्रेजेंट टाइम यानी अभी का टाइम, जैसे अभी हम लोग कौन सी क्रिया कर रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया, ठीक है। जैसे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपकी इस समय बुक पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। इन वाक्य की क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस, डॉटफुल प्रेजेंट। डॉटफुल प्रेजेंट इंग्लिश में शायद नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन हिंदी में क्या है? तीन ही हैं। इंग्लिश में शायद फाइव है, हिंदी में तीन है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, जिसे डाउटफुल प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में कुछ अगर डाउट है तो बच्चों पहला जो है सामान्य वर्तमान काल, इसकी परिभाषा क्या है? जब साधारण रूप में वर्तमान काल की क्रिया का होना पाया जाए सिंपल तरीके से, तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। सिंपल सामान्य जनरल, ठीक है ना, जनरल तरीके से, जैसे वह चित्र बनाता है, दिया जलता है, ये सब क्या है? जनरल बातें हैं, सिंपल टेंस नहीं है, ठीक है। सामान्य वर्तमान बनाने के लिए मूल धातु के साथ ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप यस या यस लगाकर सेंटेंस बनाते हैं, सेम यहाँ पर भी सामान्य वर्तमान में है। आप जो सिंपल टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाते हैं तो उसमें यस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यस या यस लगाते हैं, सेम वही है यहाँ पर। इसके सेंटेंस में क्या होगा? ता है, ती है, ते है, तो इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे दिया जलता है, ता है, वह चित्र बनाता है, बनाता, ता है, ठीक, खाना बनाती है, पढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या है बच्चों? जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो, यानी यह हमें ज्ञान हो, यह हमें पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है, अभी वो फिनिश नहीं हुआ, अभी वो समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कर, आ माने नहीं, पूर्ण माने पूरा, अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। जैसा कि लिखा है ना आपकी बुक में, जिस क्रिया के द्वारा यह बोध की कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी भी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ, अपूर्ण नहीं हुआ, वो अपूर्ण कार्य है, इसलिए उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल, जो डाउटफुल है, डाउटफुल प्रेजेंट टाइम। इसकी परिभाषा क्या है? वर्तमान काल में जिस क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, जो क्रिया है वो उसके होने में डाउट हो, संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल है, वह चित्र बनाता होगा, डाउट है, क्लियर नहीं है, वो चित्र भी बना रहा होगा, हो सकता सो रहा हो सकता पढ़ रहा हो सकता खाना खा रहा हो सकता खेलने चला गया हो, तो यहाँ डाउट है, यहाँ क्लियर नहीं है। दिया जलता होगा, दिया पता नहीं, हो सकता हवा से उज गया हो या तेल या घी खत्म हो गया तो बुझ गया, डाउट है, दिया जलता होगा। तो ऊपर के वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह है। कौन से ऊपर के वाक्य? कि वह चित्र बनाता होगा और दिया जलता होगा। संदिग्ध वर्तमान में धातु के साथ जो मूल धातु है, पढ़ लिख खा उठ बैठ सो, ये जो मेन धातु है, इनके साथ में ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि शब्द लास्ट में लगते हैं, वाक्य के अंत में लगते हैं। जैसे इसके अंत में लगा दिया जलता होगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा है प्रेजेंट टेंस, सॉरी वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे भविष्य काल। बच्चों काल का तीसरा भेद कौन सा है? पहला था भूतकाल, दूसरा पढ़े वर्तमान काल, अब तीसरा भेद कौन सा है काल का? भविष्य काल, ठीक है।
इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, इसको इसकी इसको कैसे पहचानेंगे कि ये भविष्यकाल है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में, किसी भी काम का आने वाले समय में किए जाने का या होने का बोध हो, आने वाला समय यानी हमारा फ्यूचर जो है उसमें कोई काम को प्लान किया गया हो कि करेंगे, ठीक है, या किए जाने का या होने का बोध हो, या ये काम हम करेंगे या होगा, उसका हमें जब ज्ञान होगा तो उसे भविष्यकाल कहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में इन फ्यूचर रामकुला में मेट्रो ट्रेन का प्रोग्राम चल रहा है, वो शायद चल सकती है इन फ्यूचर में, ठीक है, हो सकता हम इस साल गर्मियों की छुट्टियों में वैष्णो माता मंदिर जाएं, तो इस टाइप के जहाँ सेंटेंस होंगे वो क्या होगा, भविष्यकाल होगा। जैसे हम कल मथुरा जाएंगे, पिताजी कल आएंगे, तो क्रिया के जिस रूप से यानी आ जा खा दीप सो बैठ, ये सब जो हमारी धातुएं हैं, ये धातुएं क्या हैं, इनके बिना हमारा कोई भी क्रिया संभव नहीं है। तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में किए जाने या होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जो भी क्रिया हो उसके करने का या होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय में यानी जो हमारा फ्यूचर में यानी जो आएगा टुमारो, ठीक, यस्टरडे नहीं और टुडे आज और टुमारो में जो काम हो उसे भविष्यकाल कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, हम कल मथुरा जाएंगे, पिताजी कल आएंगे, ठीक है। भविष्यकाल के भी बच्चों दो भेद किए गए हैं, एक है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्य, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है और संभाव्य फ्यूचर डाउटफुल, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे डाउटफुल प्रेजेंट टेंस में संदिग्ध था, अब यहाँ पे संभाव्य हो गया क्योंकि भविष्यकाल है। तो सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा बच्चों क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने या करने का बोध, सिंपल तरीके से इनडेफिनेट टेंस सिंपल तरीके से करने का बोध उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। एग्जाम्पल में कल मैच होगा, ठीक है, ये सिंपल में कल मैच होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम कल शिमला जाएंगे, ये क्या है, सिंपल टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। तो क्या ये है सामान्य भविष्यकाल, इसकी परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इन वाक्य की क्रियाओं से ज्ञात होता है कि काल सामान्य रूप में आने वाले समय में होगा। सामान्य भविष्यकाल बनाने के लिए धातु के साथ, धातु कौन, पढ़ लिखा उठ बैठ सो, हर बार बता रही हूँ, धातु के साथ गा गे गी लगा होगा, ठीक है, क्या लगा होगा, गा गे और गी, फ्यूचर टेंस में ये लिखे जाते हैं, आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा संभाव्य भविष्यकाल, इसकी परिभाषा बच्चों क्या, इसको कैसे पहचानेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, ठीक है, संभावना हो परंतु निश्चित ना हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शायद कल मैच होगा, ठीक है, इसमें हम डाउट में है, कंफर्म नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, संभाव्य भविष्यकाल कहेंगे। बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, मैंने तीनों काल समझा दिए हैं, अगर आपको किसी भी काल में डाउट होगा, पास्ट टेंस थोड़ा बड़ा है, भूतकाल बड़ा है, ठीक है, उसको हम लाइव क्लास में और बेहतर तरीके से समझा देंगे, आप बुक रीडिंग करना और खुद से भी समझने की कोशिश करना, बुक रीडिंग करने से बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। तो पास्ट टेंस ही बड़ा है, उसमें ही थोड़ा आपका हो सकता है डाउट निकले, बाकी तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में गूगल मीट क्लास में अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।